गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं एमडी सलमान मिस्त्री। मैं आपको गियर बक्से के बारे में पूरा डिटेल से बता दूँ। इसको हम बोलते हैं क्लच शाफ्ट, इसको बोलते हैं गियर शाफ्ट। आज हम बताते हैं कैसे सेट करना है। तो आप देख पा रहे हैं ये वाशर है, ये इसको लॉक वाशर बोलते हैं और उसके नीचे एक वाशर रहता है ये। तो ये वाला क्या होगा, हमारा फिक्स ही रहता है, जल्दी गिरता नहीं है। हमारा ये वाशर खोने का डर रहता है और ये किधर से लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइड प्लान रहता है तो हमको ऐसे नहीं लगाना है, इस तरह लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, इसमें फंसना चाहिए। तो ये जो है हमें वाशर, ये कट पे ध्यान देना है, कट वाशर पे इसको लगाना है। एक लॉक रहेगा, एक वाशर, ये कटा हुआ जो हमारा घर है गड्ढा, इसको हम ऐसे लगाएंगे और ये हमारा काम करने लगा। ये पकड़ के चलना चाहिए, यानी कि इसको ये एक साथ ही चलना चाहिए। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बताते हैं आपको गियर शाफ्ट के बारे में। गियर शाफ्ट क्या होता है, जब हम खोलते हैं तो हमारा क्या होता है, ये वाला वाशर जो है ज़्यादातर गिर जाता है ये। तो हम बता देते हैं ये जैसे गिर जाएगा कभी भी, यहाँ तक खुलने का संभावना रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक लॉक है, उसके बाद एक कट वाशर है, उसके बाद जो हमें लगाना है फिर से, ये जो हमारा एक वाशर हो गया, उसके बाद फिर हम जो लगाएंगे वो जो हमारा होगा ये तीन नंबर का पिनियन है। ये एक लॉक हो गया, एक वाशर हो गया, अब हम इसको लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लॉक है तो इस लॉक को लगाएंगे, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। ये दोनों साइड से किसी भी साइड लगा सकते हैं, चार नंबर का। तो ये हमारा हो गया कम्प्लीट। उसके बाद हमें ये वाशर लगाना है। और जैसे कि कोई भी गाड़ी हमारा क्या होता है, तीन नंबर, ये जो है तीन नंबर, ये गियर छोड़ता है, कल 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 आवाज़ आता है, काफ़ी परेशान हो जाता है, आपको कुछ भी करना है। इसमें एक किसी तरह का वाशर जो है इसमें और एक्स्ट्रा लगा देना होता है, इसके अंदर ऐसा वाशर जो है अपना वाशर दीजिए और एक वाशर और ऐसे लगा देना। तो ये वाशर हम अभी नहीं लगाएंगे, अभी आपको हम बता देते हैं पहले इधर कंप्लीट करके। अब हम इसे सेट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये सेलेक्टर है, सेलेक्टर जब ये हमारा कट जाएगा तब हम इसको चेंज करते हैं। वैसे ही गियर हमारा छोड़ता है, जैसे देखिए हमने सिलेक्टर बदला है तो इस तरह से कटा हुआ, तो हमने ये नया लगा दिया। अब हम इसे कंप्लीट करके लगा के आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लगाते हैं। और नीचे वाला सप्ता का ये आपको जो ध्यान देना है, ये बड़ा वाशर रहता है और यही गिर जाता है हमारा। और ये हमें किस तरह लगाना है, इस साइड से लगाना है कि साइड से, वही मैं आपको बता दूँ। ये आप देख पा रहे हैं क्या जो हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, सकता है इधर से लगा रहे हैं तो हमारा काम करता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इधर से लगाएंगे तो हमारा सप्ता दीजिए काम नहीं कर रहा है, यानी कि हम इसे ऊपर भी उठा देंगे तो काम नहीं कर रहा है। तो आपको इसी तरह चेक करके लगाना है, यानी कि हम इसे ऐसे लगाएंगे, ये हमारा काम करने लगा। और उसके बाद एक बड़ा वाशर रहता है, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हो गया। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर रह गया एक वाशर, अब हम इसे लगा के आपको दिखाते हैं ये कैसे लगेगा। ये यहाँ पर सिलेक्टर में घुसा देंगे, उसके बाद इसको प्लस साफ, इसमें नीचे वाशर नहीं रहेगा, ये बैरिंग के ऊपर रहता है, तब इसको हम ऐसे लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इस सिलेक्टर को इसमें घुसा देंगे और दूसरा सिलेक्टर को इस तरह से घुसाएंगे और अब हम इसे लगाना है। यानी आप देख लीजिए ये नीचे वाला वाशर लगा हुआ है, इसमें वाशर नहीं होता है। अब इसको सप्ताह में हम क्लीन करते हैं, देख लीजिए दोस्तों कितना आसानी से बैठ गया। अब हम देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सेट हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब हम इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा गियर में है या कैसे है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं घुमाकर। नीचे से चेक कर लीजिएगा कि जो घूम रहा है गियर में घूम रहा है, इस तरह से इसको हमें माना है। ये देखिए गियर चेंज हम करते जा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, अभी हमारी गाड़ी न्यूट्रल हो गई, गियर में आ गए। हमारा न्यूट्रल हो गया भाई,
और मैं आपको बता दूँ जो मैं जुगाड़ कर रहा हूँ इसमें क्या होता है, बार बार 3 नंबर का गियर निकल जाता है। तो सब चीज़ सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वॉशर दे देना है यहाँ पर। इसको हम अभी इधर साइड में रखते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें ये हम उठाए, उठाने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो एक वॉशर है, यहाँ पर ये पतला वॉशर रहता है, इस तरह से भी आप ये मोटा वाला वॉशर थोड़ा सा लगा सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद इसको किसी भी साइड से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों एक्यूरेट। और उसके बाद हम आपको जो बताया जिस तरह से वॉशर को भी आप चेंज कर सकते हैं, यही मेन वॉशर होता है कट वॉशर, इसको चाहे मोटा वाला थोड़ा सा अलग से लगा सकते हैं, नहीं तो आपको यही लगाना है तो आप इसे ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। और उसके बाद ये जैसे वॉशर लगेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा वॉशर डालना, थोड़ा सा मोटा हो जो कि इसको दबा के रखे। ये इसी तरह से आप अपने हिसाब से लगाना है। देखिए मेरे पास बहुत सारा वॉशर है, तो इसे ना कैसे इसमें सेट कर देना, जो इसमें घुस जाए। ये वॉशर हमने एक्स्ट्रा लिया है, अब देख लीजिए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, और उसके बाद जो इसके अंदर रहता है वही देना है। ये हो गया कंप्लीट। और उसके बाद अब हम क्रैंक लगाएंगे। क्रैंक को कैसे बैठाएंगे आसानी से वो देखिए आप, और किधर लगाना है। ये हमारा जो है मैग्नेट, ये नीचे जाएगा, ये क्लच सबका ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसे इसी तरह से आराम से बैठा देंगे, खुला खुला कर देख लीजिए यहाँ पर बैठ गया, थोड़ा सा और बैठेंगे, हाथ से ही बैठा दिया हमने, ये कम्प्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पैकिंग तो हमारा लगा हुआ है क्योंकि इसमें सिर्फ गियर का प्रॉब्लम था, इसीलिए हमने खोला है इसे। अब हम इसे लगा देंगे, लगाएंगे इतना आसानी से लगाएंगे वो आपको दिखाते हैं। इस तरह से इसको घटना है, और यहाँ पर हल्का हल्का सापट टूट सकते हैं, तो सापट टाइट रहेगा तब, नहीं तो वैसे ही गिर जाएंगे। जो अगर हमें ये प्लास लेना है, प्लास से इसको क्या करना, मोड़ना है, इससे क्या होगा हमारा सप्ता बैठ जाएगा। चेक करके दिखाना, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेट हो गया हमारा, आसान तरीका है बिल्कुल सेट करने का। हम इसे पलट देंगे, पलटने के बाद हम इसका सारा बोल्ट को टाइट करेंगे और गियर चेक करके आपको दिखाते हैं। देखा, अब हम इसका क्या करेंगे, बोल्ट इसका लगाएंगे आपको हमारे साथ, और इसको हम टाइट करेंगे आपको दिखाएंगे। हमारा बोल टाइट हो गया, हम आपको चेक कराते दिखाते हैं ये, और ये वाला लगाना है सबका, लगाना जरूरी है, जो नहीं लगाएंगे तो गियर काम ही नहीं करेगा। और ये बोल्ट रहता ही है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता, तो हम ये टाइट कर देंगे। टाइट हो गया, और उनसे पलट देंगे, और आपको दिखाते हैं अब गियर का चेंजर लगाना, और गियर डाउ मैं आपको पहले अभी से सप्ता को लगाएंगे, तब स्टार को लगाएंगे। ये लगा दिए सप्ता,
तो उनके गियर चेंजर यही गियर बदलती है, उसके बाद ये स्टार लगाएंगे। हम ये स्टार लगा दिए, स्टार लगाने के बाद 10 का बोल्ट को टाइट करेंगे। टाइट हो गया, हम इसको डॉक को लगाएंगे। गियर डॉक बोलते हैं इसको, ये जब हमारा खराब होता है तो गियर एक लगाते हैं, 2-3 लग जाता है, इसको हम डॉक को टाइट करेंगे। डॉक कंप्लीट हो गया, अब हम आपको गियर चेक करके दिखाते हैं। पूरी घूम रहा है इधर, पूरी घूम रहा है, पकड़ रखते हैं। अब हम इसे गियर लगाते हैं, हमारा फर्स्ट गियर हो गया, 1 नंबर का गियर इधर घूम रहा है, पकड़ रहे हैं तब भी नहीं रुक रहा है। हम लगाएंगे दूसरा, दूसरा देखिए पकड़ के रख रहे हैं, फिर भी घुमा रही है। अब बताते हैं तीसरा, हमारा तीसरा गियर कंप्लीट। अब लगाएंगे चौथा, ये हो गया हमारा चार गियर। ठीक है दोस्तों, तो किस तरह से गियर सेट करना है ये मैंने पूरा डिटेल से दिखा दिया, और आगे भी मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाते रहूँगा। और मैं बता दूँ कि अगला स्टेप भी मेरे वीडियो में मिल जाएगा आपको देखने के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा जी।